जगमग जगमग होई, जेल में आई दरोही हो। जन्म लो, वसुदेव ने जवाब दिया ये पुत्र मुझे दे दो। भोजराज कंस के मैं हवाले करने के लिए जा रहा, मैया बहुत रोई। वसुदेव ने बहुत समझाया, बेटा को लिया कंस के पास में पहुंच गए, जवाब दिया भोजराज तन हो रहे हो, मेरी तरफ देखा, ये फूल मेरी हाथ में है ना। जवाब दिया हाँ आपके हाथ में फूल है, सुना मेरी बात, इधर से गिनती गिना, एक दो तीन चार पांच छः सात और आठ। अब ये देखो मेरी तरफ, आठ सात छः पांच चार तीन दो एक। मेरा मतलब ये है भोजराज कंस, जिन्होंने आठवां काल बताया है वो पहला भी काल हो सकता है और पहला आठवां भी हो सकता है। जवाब दिया नारद जी आपने मेरी बुद्धि खोल दी। भोजराज कंस उठा भागा, चौकट लगी गिर पड़ा, फिर उठा देवकी के पास में पहुंच गया। इधर हुआ क्या, बैल देवकी अपने पुत्र को दुग्ध पान पिला रही है, इधर भोजराज पहुंच गया, गोदी में से उठाया बालक, चट्टान में मार दिया, मांस के लोथड़े बिखर गए। इधर मैया देवकी उन्हें मांस के लोथड़न पर रोए रही, भैया तेने झुका करो, सुख दे के दुख दो भैया। भैया बैन देवकी